पूरा फड्डा हो चुका था सौरभ गांगुली और ग्रेक चैपल के बीच और कैप्टन बन चुके थे राहुल बहुत सारी भसड़ मची हुई थी हमारा लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर जो उल्टे हाथ के बल्लेबाजों के लिए वो था नाइटमेयर आतंक का दूसरा नाम आतंक का दूसरा नाम और वो उल्टे हाथ के बल्लेबाज बढ़कर छक्का मारता है बर्तन गिरने की आवाज आती थी

हेलो दोस्तों मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम स्वागत है आपका वर्ल्ड कप नॉस्ट्रेलिया स्पेशल सीरीज में जहां हम बात कर रहे हैं उन वर्ल्ड कप्स की जो हमने देखे थे अपने इन्हीं आंखों से कमेंट्री सुनी थी अपने इन्हीं कानों से और पिछले एपिसोड में जो हमने मीठी मीठी यादें शेयर की थी 2003 वर्ल्ड कप की एक्चुअली कड़वी है खट्टी भी बहुत नहीं है दो हजार दो हजार पंद्रह की कह सकते हैं खट्टी है तो ठीक है हम साझा करने वाले हैं 2007 वर्ल्ड कप की एक्चुअली 2007 वर्ल्ड कप वो समय है दोस्तों जिनको नहीं पता कि ग्रेग चैपल भारत के कोच बन चुके हैं अच्छा बड़ी हाई होप्स के साथ कोच बने थे वो हाँ बहुत हाई होप्स सौरभ गांगुली उनको लेके हाँ, आए थे लगा था की था की को ला वही, वही लगा था कि यार ये कोच आया और बड़ा नाम है चैपल नामियन प्लेयर क्योंकि और ऑस्ट्रेलियंस का तो बड़ा हल्ला होता था हर कोई चाहता था ऑस्ट्रेलियन टीम से कोई कोच आ जाए मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा तो हमें भी लगा था भाई और आते ही अच्छा मजा आया राहुल द्रविड का नहीं स्टार्टिंग नहीं, बड़ी अच्छी हुई थी हाँ हाँ देखा पठान हाँ ओपनिंग वो आने लगे वन लगे असी असी रन बनाने लगे हम ये भूल गए कि वो मजी श्रीलंका के, के थे बिल्कुल वहां में दिन वर्ल्ड कप आ रहा है लेकिन भाई, तो सारे मजे आए श्रीलंका पूरा फड्डा हो चुका था सौरभ गांगुली और ग्रेक चैपल के बीच और कैप्टन बन चुके थे राहुल द्रविड बहुत सारी भसड़ मची हुई थी बैटिंग ऑर्डर डिसाइडेड नहीं था सचिन वांटेड टू तो ओपन उन्हें मिडिल ऑर्डर में पुश किया गया सो मच सो कि उनके ऊपर रॉबिन उथप्पा तक को भेजा गया कई मैचेस में बहुत तगड़े तगड़े और खराब वो हुए एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स हाँ, ऐसे ऐसे, 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 ऐसे हुए। अभी अगर इरफान पठान बैट्समैन बन चुके थे बॉलिंग उनसे होनी बंद हो गई थी अभी अगर आप राहुल द्रविड को कहते हैं ना तो वो एटलीस्ट प्री टूर्नामेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ग्रेग चैपल विद इन द टूर्नामेंट वाज आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग खैर टीम इंडिया गई वेस्ट इंडीज खेलने इस बार वर्ल्ड कप 16 टीमों का था चार चार टीम्स के ग्रुप बटे हुए थे तो वो पहले ही वाइब उसकी इतनी ठंडी हो गई थी कि वेस्ट इंडीज में कप बोला आ, आ, है कौन रात में रात के मैच वो ढूंढना वाला वाला है बिल्कुल वाइब वैसे ही नहीं आ रही थी और ऊपर से जो प्रदर्शन हमने शुरू से ही किया <laughs> <laughs> लगती लगती, बांग्लादेश श्रीलंका और बर्मुडा भाई लगा की मतलब इंडिया आराम से यहाँ से तो आगे निकल ही जाएगी मजे आ जाएंगे पहला मैच होता है इंडिया का बांग्लादेश अगेंस्ट और वो ऐसा है ना प्रथम ग्रह से मक्षिका पहले ही घर से बाहर निकलते ही मनुष्य शुरू इंडिया ऑन दिस विकेट जो कि इतना टफ टू बैट ऑन नहीं था सिर्फ 190 कुछ रन कर पाती है 200 भी नहीं कर पाती है राहुल द्रविड कुछ रन करते हैं लेकिन मशरफ मुर्तजा की मैं इज्जत कर वो तो बैटिंग करने आया बाद में मशरफ मुर्तजा हाँ। ने बॉल से जो काम किया 90 अच्छा पे इंडिया को रोकना हाँ, हाँ। चलो हमने फिर भी सोचा ये तो बांग्लादेश है कर लेंगे हमने 190 सौ नब्बे किए ये तो और कम, कम करेंगे।, करेंगे लेकिन भाई तमीम इकबाल ने आउट नहीं होके दिया भाई बाहर निकल के छक्का मार दिया आउट हो ऐसी बॉलिंग लगी हमारे थी फास्ट बॉलर को स्टेप आउट करके सिक्स मार दिया हमारा लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर जो उल्टे हाथ के बल्लेबाजों के लिए वो था नाइटमेयर आतंक का दूसरा नाम आतंक का दूसरा नाम और वो उल्टे हाथ का बल्लेबाज आगे बढ़कर छक्का मारता है वहीं से समझ में आ गया कि शायद ये वर्ल्ड कप इंडिया के तरफ नहीं जाने वाला है बड़ा इंडिया बांग्लादेश तरीके से हमारे हाँ। वो वाइब बहुत खराब हुई अगला मैच हमारा बर्मुडा से हुआ बर्मुडा सेविड देवी हाफ सेंचुरी लगा दी कोई पच्चीस तीस बहुत मतलब उस मैच में इंडिया रुकी नहीं बरमुडा का शायद वो आखिरी वर्ल्ड कप भी हो गया और वो आइकॉनिक कैच लेवर लॉक लेवर 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 नाम था उनका मुझे आज भी याद है बचपन में हम कहते थे हलवाई जैसे दिखते हैं थोड़ा सा हेल्दी थोड़े काफी हेल्दी पुलिस वाले थे वो फिर फिर, फिर मैंने कोई शिकायत नहीं उनसे पुलिस वालों का योर टैक्स नहीं था तो फिगर मेंटेन किया था एक्चुअली हाँ, पुलिस वाले फिगर उनकी मेंटेन थी हां वो एक आइकॉनिक कैच पकड़ा उस मैच से बरबटा के पास वही याद है जिस नाके पे वो खड़े होते थे मैं बैरिकेड नहीं लगता था ही वाज द बैरिकेड तो वो वखरमा उनसे गाड़ी ऐसे निकलती थी देखो वो समटाइम्स ही वाज द बैरिकेड समटाइम्स वाज द गोलचक्कर आज फिलहाल तो ही वाज द डी पॉइंट उट <laughs> <laughs> <था> <laughs> भाई भाई, मैच हो गया था हमारे श्रीलंका के तो उम्मीदें थी कि चलो इंडिया वापस कर लेगी कहानियां ऐसी सचिन ने वापस बोला मुझे ओपन करने दो ओपन करने दो उनकी नहीं सुनी गई हमारा मैच हुआ श्रीलंका के अगेंस्ट हमने फाइटिंग टोटल लगाया मतलब बहुत ज्यादा नहीं दो सौ सत्तर टाइप ऐसे कुछ हमने रन आ, लगा है। तो अच्छा हाँ वो ठीक था, था। हाँ, है, लेकिन मनुसियत जो थी जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो थी कल है कल, कल कलेश, है कलेश कलेश तो बहुत ही ज्यादा मतलब ड्रेसिंग रूम से बर्तन गिरने की आवाज आती थी कई बार तो वो, वो रात में जो चीखम हाँ, चिल्ली होती थी वो वाली आवाजें भाई कितनी बार सचिन नाइन वन वन है गांगुली भाई अपनी कसम दे देते रुक जा घर जाके बात बाद घर के बाहर ये सब चीजें नहीं घर जाके इसको तो घर पे देखते इसको घर पे देखते हैं वो वाली बातचीत चल रही थी

कैरेबियन कंट्रीज में कुछ कुछ अभी भी दे ब्रिटिश hmm. वो अभी भी मतलब उनका आजादी मिल गई है लेकिन वहां स्कॉटलैंड यार्डी चलता ah. है जो इंग्लैंड की पुलिस है तो हुआ कि भाई वो लोग आएंगे वो तलाशी करेंगे बातें बनी क्या मैच फिक्सिंग का एंगल है ये है वो है उस वर्ल्ड कप को आज पंद्रह साल होने जा रहे हैं कुछ नहीं पता क्या हुआ वो राज उन्हीं के साथ चला गया लिटरली और वो वर्ल्ड कप मतलब इतने तरीके से मनुष्य लेके आया था भाई उसके बाद ऑनेस्टली मैंने वर्ल्ड कप नहीं देखा मुझे फाइनल बस याद है सेमीफाइनल याद मैं, है नहीं मुझे एक में ज्यादा मुझे एक में ज्यादा श्रीलंका का मैच लगा था साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल था या समर मैथ

Uh, ज्यादा डिटेल्स में हमें याद ही नहीं है क्योंकि हमारी टीम बाहर हो गई थी हमारा इंटरेस्ट इस वर्ल्ड कप से खत्म हो गया था और ये स्टार पे आया था वर्ल्ड कप इसके ग्राफिक्स वगैरह फीका था आ, तो सब फीका, फीका था।, था मैदान पे घास फीकी फीकी हाँ। लग रही है हमारी टीम की जर्सी फीकी फीकी लग रही है खत्म हुआ बस हां मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में जो कि है इंडिया का बेस्ट एवल ग्यारह